सनत तजाद इल्मे बदी की इस्तिलाह में कलाम में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिनमें मानी के एतबार से तजाद पाया जाए, यानी वो अल्फाज एक दूसरे के ज़िद या उलट हों। मिसाल के तौर पर अव्वल और आखिर, दिन और रात, सुबह और शाम, ज़मीन और आसमान वगैरह। सनत तजाद को तबाक और मुताबिकत भी कहते हैं। मिसाल, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। दर्जे बाला शेर में ज़मीन और आसमां एक दूसरे के ज़िद हैं, इसलिए ये शेर सनत तजाद की मिसाल है। आठवीं ता बारहवीं जमात के तुलबा को अगर इम्तिहान में सनत तजाद की तारीफ पूछा जाए तो तुलबा इस तारीफ को लिखेंगे। सनत तजाद की तारीफ। जब शायर अपने किसी शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो मानी के एतबार से एक दूसरे की ज़िद हों तो उसे सनत तजाद कहते हैं। मिसालें, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इस शेर में दिन और रात एक दूसरे की ज़िद यानी उलट हैं, इसलिए यह शेर सनत तजाद की मिसाल है। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इस शेर में सुबह और शाम एक दूसरे की ज़िद हैं, इसलिए यह शेर भी सनत तजाद की मिसाल है। हार हो जीत हो, खुशी हो या गम, खुश दिली से सभी कबूल करो। इस शेर में सनत तजाद की दो जोड़ियां हैं, हार जीत यानी जीतना और हारना एक दूसरे की ज़िद हैं, और दूसरी जोड़ी खुशी और गम एक दूसरे की ज़िद हैं, इसलिए यह शेर भी सनत तजाद की मिसाल है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।